नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे नए वीडियो ट्यूटोरियल में। आज हम सीखेंगे कैसे ऑटोमेशन एनीवेयर कम्युनिटी वर्जन का यूज करके आप लोग एक सिंपल बॉट बना सकते हैं जो सभी को मैसेज बॉक्स से ग्रीट करेगा। तो चलिए बॉट बनाते हैं। बॉट बनाने के लिए आप सभी को क्रिएट अ बॉट बटन पे क्लिक करना है। अब आपको अपने बॉट का नाम प्रोवाइड करना है। मैंने अपने बॉट को नाम दिया है फर्स्ट बॉट। एंड डिस्क्रिप्शन ऑप्शनल होता है। नाउ आप क्रिएट एंड एडिट बटन पे क्लिक करें। अब मैसेज बॉक्स के लिए आप सर्च कर सकते हैं। एक्शन में जाके आप टाइप कीजिए मैसेज बॉक्स। मैसेज बॉक्स आने के बाद उसे सिर्फ ड्रैग कीजिए। अब हमें मैसेज बॉक्स को कॉन्फ़िगर करना होगा। सो कॉन्फ़िगर करते समय पे सबसे पहला इन्फॉर्मेशन जो हम प्रोवाइड करते हैं वो होता है मैसेज बॉक्स विंडो टाइटल। तो यहाँ पे मैंने टाइटल में प्रोवाइड कर दिया। देन आप क्या कंटेंट अपने मैसेज बॉक्स पे डिस्प्ले कराना चाहते हैं वो हम यहाँ एंटर करेंगे। तो हमने एंटर किया हेलो वर्ल्ड। हाँ जैसे ही डिपेंडेंसी एक बार डाउनलोड हो जाती है हमारा बॉट रन हो जाएगा। देखिए हमारा बॉट रन हो चुका है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बॉट मैसेज बॉक्स को कुछ सेकंड्स के बाद ऑटोमेटिकली क्लोज कर दे तो आप लोगों को टाइमर सेट करना होगा, जिसके लिए आप यहाँ पे ये ऑप्शन देख सकते हैं क्लोज मैसेज बॉक्स आफ्टर। सो अब यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू 5 है, मैंने उसे 10 कर दिया। अब जब हम अपने बॉट को रन करेंगे तो ऑटोमेटिकली बॉट मैसेज डिस्प्ले करने के 10 सेकंड के बाद मैसेज बॉक्स को क्लोज कर देगा। जैसा कि आप सब देख सकते हैं यहाँ पे मैसेज बॉक्स बता रहा है कि वो अगले कुछ सेकंड्स में मैसेज बॉक्स को क्लोज कर देगा। 10 सेकंड पूरे होते ही मैसेज बॉक्स ऑटोमेटिकली क्लोज हो गया। धन्यवाद।